दोस्तों, यूरिक एसिड बढ़ने पर पेशाब में कई तरह के बदलाव नजर आते हैं, जो कि गाउट और किडनी स्टोन का संकेत हो सकते हैं। दोस्तों, आजकल गलत खानपान और खराब जीवन शैली के कारण आजकल लोग कई तरह की गंभीर बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। इन्हीं में से एक यूरिक एसिड की समस्या भी शामिल होती है। दोस्तों, यूरिक एसिड हमारे शरीर में बनने वाला एक तरह का वेस्ट प्रोडक्ट है, जो कि प्यूरिन के टूटने पर बनता है। आमतौर पर किडनी यूरिक एसिड को फिल्टर करके पेशाब के जरिए शरीर से बाहर निकाल देता है, लेकिन कई बार शरीर में यूरिक एसिड का लेवल अधिक हो जाता है, जिसकी वजह से ये छोटे छोटे क्रिस्टल के रूप में जोड़ों और किडनियों में जमा होने लगते हैं। शरीर में यूरिक एसिड का स्तर बढ़ने के कारण आपको गाउट और अर्थराइटिस की समस्या हो सकती है। इसी वजह से जोड़ों और हड्डियों में दर्द, हड्डियों में सूजन और चलने फिरने में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इतना ही नहीं, लंबे समय तक हाई यूरिक एसिड की समस्या होने के कारण किडनी स्टोन की समस्या भी हो सकती है। यूरिक एसिड बढ़ने पर पेशाब में कुछ बदलाव नजर आते हैं, जिन्हें आपको नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि पेशाब में यूरिक एसिड की मात्रा किडनी स्टोन का संकेत हो सकता है। आइए जानते हैं पेशाब में यूरिक एसिड बढ़ने के क्या लक्षण होते हैं। पहला, बार बार पेशाब का आना। दोस्तों, ब्लड में यूरिक एसिड बढ़ने पर बार बार पेशाब आने की समस्या होती है। दरअसल हमारी किडनी यूरिक एसिड को फिल्टर करके पेशाब के जरिए बाहर निकाल देती है, लेकिन जब यूरिक एसिड का स्तर बहुत अधिक बढ़ जाता है तो किडनी ठीक तरह से काम नहीं कर पाती है। इसी वजह से इंसान को बार बार यूरिन डिस्चार्ज करने की इच्छा महसूस होती है। अगर आपको भी ये परेशानी हो रही है तो आप अपने डॉक्टर से जांच जरूर करा सकते हैं। दूसरा, पेशाब के रंग में बदलाव होना। दोस्तों, यूरिक एसिड बढ़ने पर पेशाब के रंग में भी बदलाव नजर आ सकते हैं। इसकी वजह से पेशाब का रंग पानी की तरह साफ ना होकर धुंधला नजर आता है। अगर आपको भी पेशाब में इस तरह का बदलाव नजर आए तो इसे इग्नोर ना करें और अपने डॉक्टर से संपर्क जरूर करें, और इसका सही समय पर इलाज कराना बहुत जरूरी होता है। तीसरा, पेशाब में बदबू या फिर जलन होना। दोस्तों, शरीर में यूरिक एसिड का स्तर बढ़ने पर पेशाब में बदबू और जलन की समस्या हो सकती है। हालांकि पेशाब में गंध या फिर जलन अन्य वजह से भी हो सकती है। डायबिटीज जैसी बीमारियां होने पर भी ये समस्या होती है, इसीलिए अगर आपको ऐसे लक्षण महसूस होते हैं तो आप डॉक्टर से संपर्क जरूर करें। तो दोस्तों, ऐसी जानकारी के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।